हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी सेकंड एपिसोड ऑफ द सीरीज द पीसी गेम वर्सेस एंड्रॉयड गेम्स। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 एंड्रॉयड गेम्स जो कि सिमिलर होने वाले हैं टॉप 5 पीसी गेम्स के। इसी के साथ में गाइस, हमारे जो लिस्ट में फर्स्ट नंबर का गेम निकल के आता है वो है मोर्टल कॉम्बैट 11। तो गाइस, ये गेम हमें प्रोवाइड करता है कस्टम वेरिएशन फीचर को। और गाइस, इस गेम में हमें हर करेक्टर के इनिशियल सेट ऑफ आउटफिट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें हमें तरह तरह के वेपन्स और तरह तरह के मूव्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन्हें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये गेम आपको शुरू शुरू में थोड़ा हार्ड देखने के लिए मिलेगा, बट जब आपके करेक्टर की एबिलिटीज़ अनलॉक होंगी तो आपको इसको खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी के साथ में गाइस, बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले सेकेंड नंबर के गेम की तरफ जो कि निकल के आता है टैग एंड टैग टूर्नामेंट। तो गाइस, इस गेम के डेवलपर हैं BNE एंटरटेनमेंट, जिनको हम नाम को नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, टैग एंड 2 और 3 के मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए ये गेम लॉन्च किया गया था। और गाइस, इस गेम में टोटल 35 करेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, इस गेम में बॉस नाम का करेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि टैग एंड 3 के मोक जिनके बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। इसी के साथ में गाइस, बढ़ते अपने लिस्ट के आने वाले थर्ड नंबर गेम की तरफ जो कि निकल के आता है प्रिंस ऑफ प्रशिया 2008। तो गाइस, ये गेम 2 दिसंबर 2008 को रिलीज़ हुआ था। और गाइस, इस गेम में भी प्रिंस का कोई नाम नहीं होता बाकी प्रिंस ऑफ प्रशिया गेम्स की तरह। तो गाइस, इस गेम में प्रिंस फाइट्स करने के लिए तलवार का यूज़ करता है और एलिका की कई सारी पावर्स का भी इस्तेमाल करके वो फाइट्स करता है। अब गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि एलिका कौन है? तो गाइस, इस गेम में एलिका के साथ, मतलब प्रिंस के साथ, एलिका नाम की साथी होती है। इसी के साथ में गाइस, बढ़ते अपने लिस्ट के आने वाले फोर्थ नंबर के गेम की तरफ जो कि निकल के आता है प्रिंस ऑफ प्रशिया वॉरियर भी। तो गाइस, इस गेम का जो डिज़ाइनिंग लेवल है वो है नेविगेटिंग ट्रीचरस एनवायरनमेंट। तो गाइस, इस गेम में भी प्रिंस का कोई नाम नहीं होता बाकी प्रिंस ऑफ प्रशिया गेम्स की तरह। तो गाइस, इस गेम में जो हमें सीक्रेट एरियाज देखने को मिलते हैं उसमें हमें कई सारी एडिशनल हेल्थ पॉइंट्स एंड यूनिक एबिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस, इसी के साथ में बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले फिफ्थ नंबर के गेम की तरफ जो कि निकल के आता है हैवी रेन। तो गाइस, ये एक इंटरैक्टिव ड्रामा एंड एक्टिव एडवेंचर गेम होने वाला। और गाइस, इस गेम में प्लेयर को 4 डिफरेंट करेक्टर्स कंट्रोल करने के मिलते हैं। और गाइस, इसमें हर प्लेयर करेक्टर का बनना डिपेंड करता है प्लेयर्स के एक्शन पे। तो गाइस, जो लोग इंटरैक्टिव ड्रामा एंड एक्शन एडवेंचर गेम को पसंद करते हैं वो इस गेम को जरूर से ट्राई करें। इसी के साथ में गाइस, बढ़ते अपने लिस्ट के आने वाले 6 नंबर के गेम की तरफ जो कि निकल के आता है हॉरर क्लोन पेनवाइज। तो गाइस, इस गेम को आप लोग काफ़ी सारे जानते ही होंगे बिकॉज़ यार, ये गेम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। और गाइस, ये पूरा हॉरर गेम होने वाला है। और गाइस, इस गेम में हमें सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी गार्ड से एक की लेनी होती है, और उस की को लेने के बाद हम गाइस, हमें काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो गाइस, इस तरह के कुछ ही आपको गेम देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें हमें एक प्यारा सा चोकर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिस आया है गाइस। इसी के साथ में गाइस, बढ़ते अपने लिस्ट के आने वाले 7th नंबर के गेम की तरफ जो कि निकल के आता है शेडो ऑफ वॉर। तो गाइस, ये गेम 12 अक्टूबर 2017 को लॉन्च हुआ था। और गाइस, ये गेम एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम होने वाला है। और गाइस, इस गेम में हमारे मेन करेक्टर का नाम होता है टेलियन। तो गाइस, टेलियन के पास कई सारी कॉम्बैट एबिलिटीज़ एंड यूनिक एबिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो गाइस, ये गेम आपको शुरू शुरू में थोड़ा हार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, बट जब आपकी टेलियन की एबिलिटीज़ अनलॉक होंगी तो आपको इसको खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ में गाइस, बढ़ते अपने लिस्ट के आने वाले 8th नंबर के गेम की तरफ जो कि निकल के आता है एसेसंस स्क्रीड रिवेलियन। तो गाइस, ये एक RPG एक्शन गेम होने वाला है। और गाइस, ये फॉलो करता है स्पेनिश ब्रदरहुड को। और गाइस, इस गेम में हमें तरह तरह की वेपन्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो गाइस, जो लोग एक्शन गेम पसंद करते हैं वो इस गेम को जरूर से ट्राई करें, इसे खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसी के साथ में गाइस, बढ़ते अपने लिस्ट के आने वाले 9th नंबर के गेम की तरफ जो कि निकल के आता है रेड डेड रिडम्पशन 2। तो गाइस, ये गेम एक वेस्टर्न टीम्ड एक्शन एडवेंचर गेम होने वाला है। और गाइस, इस गेम में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट।
और गाइस इस गेम में हमें तरह तरह के मिशंस भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के साथ में गाइस बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले 10 नंबर के गेम की तरफ, जो कि निकल के आता है वेस्ट गन फाइटर। तो गाइस जिनके पास पीसी है ही नहीं, उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, तो गाइस उनके लिए मैं एंड्रॉयड पर ही लेकर आ चुका हूँ वेस्ट गन फाइटर। तो गाइस ये गेम आपको सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसा। तो गाइस ये गेम भी वेस्टर्न थीम एडवेंचर एक्शन गेम होने वाला है, और गाइस ये गेम भी आपको ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस इस गेम में भी आपको काफ़ी सारे मिशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस जो लोग हॉर्स राइडिंग के लिए करना चाहते हैं, वो गेम इस गेम को ज़रूर से ट्राई करें, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ में गाइस अपनी वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ में गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ना लाइक करो, फॉलो करो।